मैं आप सबों का स्वागत करता हूं द चैलेंजर्स जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। कि जो कमियां इन दो वर्षों में, डेढ़ वर्षों में रह गई है आपकी पढ़ाई में कोविड 19 के कारण, उसकी कुछ भरपाई हम सब यहां चैनल के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स के जरिए बहुत सारे लोगों का ये डिमांड आया था कि सेमेस्टर टू का और कुछ नोट्स चाहिए, तो मैं यहाँ बिनाव भावे इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर टू SCC ऑनर्स कोर कोर्स 3 को लेकर आया हूँ आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 के ऊपर मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक बना चुका हूँ जाके इंडियन इंग्लिश ड्रामा के ऊपर और एक बना चुका हूँ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के ऊपर। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें मेरा टॉपिक है इंडियन इंग्लिश नॉवेल, कि भारत में उपन्यास का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले एग्जाम में आपका क्या प्रश्न आ सकता है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसके उत्तर के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। राइट इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश रिटन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। आप संक्षिप्त में बताएंगे इतिहास को, किस चीज़ का इतिहास, भारतीय उपन्यास के इतिहास को, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया। यूँ तो उपन्यास लिखा जाता रहा है लेकिन अंग्रेजी में जो उपन्यास लिखा गया है प्री इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी के पहले, जैसा कि मालूम है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसके पहले अंग्रेजी में जो उपन्यास लिखा गया उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्री इंडिपेंडेंस इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश, या फिर एक और प्रश्न बन सकता है सिंपली प्री इंडिपेंडेंस इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश। तो आगे इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। द नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय इंडियंस एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर केम वेरी लेट। भारतीयों के द्वारा जो साहित्य का एक शाखा उपन्यास भी है उसके ऊपर लिखना बड़ा देर से शुरू किया गया। इन द बिगिनिंग, जब हम ये देखते हैं शुरुआती दिनों में, सम एफर्ट्स वर मेड टू राइट टेल्स इन इंग्लिश। शुरुआत के दिनों में ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया, प्रयास किया गया कि कुछ किस्से लिखे जाए अंग्रेजी में, और उनको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया कुछ पत्रिकाओं में। लेकिन जब हम विधिवत उपन्यास लिखने की बात करते हैं भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में, तो सबसे पहले जो नाम हमारे मस्तिष्क में आता है वो है कैलाश चंद्र दत्त, जिन्होंने एक जनरल में पब्लिश किया था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था, एक बड़ा ही काल्पनिक कहानी, किस चीज़ के बारे में, एक अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट के बारे में, एक असफल, एक काल्पनिक जो है सो आंदोलन की पटकथा के बारे में उन्होंने सोचा था अपने दिमाग में, और उसको उन्होंने इस पत्रिका में प्रकाशित करने का एक प्रयास किया था। इसके बाद जब हम बात करेंगे इस कड़ी में, तो आगे मिलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके नाम से हर कोई वाकिफ होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, सबसे पहला फर्स्ट एंड ओनली नॉवेल जो अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है वो है राजमोहन्स वाइफ यानी राजमोहन की पत्नी, वॉज पब्लिश्ड इन सीरियल्स, और ये एक कड़ी में प्रदर्शित, ये एक कड़ी में प्रकाशित किया गया है। और ये कड़ी कहाँ प्रकाशित की गई, एक वीकली, एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, तो उस वीकली का नाम था द इंडियन फील्ड, और ये 1864 की बात है। फ्रॉम द 60s टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1860 से लगभग 19वीं शताब्दी तक कुछ और उपन्यास प्रकाशित किए गए बाय राइटर्स फ्रॉम बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, और जिन लोगों ने उपन्यास प्रकाशित किया भारत में लिखा वो या तो बंगाल से थे या तो मद्रास से थे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी से थे। मेजोरिटी ऑफ दीज नॉवेल्स व सोशल एंड हिस्टोरिकल, और जो ज़्यादातर उपन्यास लिखे गए वो या तो सामाजिक थे या ऐतिहासिक थे। दे व रिटेन ऑन द मॉडल्स ऑफ, और ये इन भारतीयों ने
आखिर किस पैटर्न पे, किस मॉडल पे लिखना शुरू किया। जिस मॉडल पे इन्होंने उपन्यास को लिखना शुरू किया वो मॉडल था डेनियल डिफो का जो मॉडल था, हेनरी फील्डिंग का जो था, और वाल्टर स्कॉट का जो मॉडल था उस पर इन्होंने लिखना शुरू किया। अब हम यहाँ बात करते हैं तोरु दत्त का। तोरु दत्त एक भारतीय लेखिका रही हैं और इन्होंने एक अनफिनिश्ड नॉवेल लिखा, ऐसा नॉवेल जो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका नाम बियांका था और द यंग स्पेनिश मैडन वॉज पब्लिश्ड इन 1878। ये द यंग स्पेनिश मैडन जो है सो 1878 में पब्लिश हुआ था एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। रमेश चंद्र, और जैसे ही ये शताब्दी बदली, रमेश चंद्र दत्त ने क्या किया, पब्लिश किया ट्रांसलेशन ऑफ हिज बंगाली नॉवेल्स, अपने कुछ बंगाली नॉवेल्स का उन्होंने इस शताब्दी के आखिरी में अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया और प्रकाशित करवाना शुरू किया। आज के इस क्लास में मैं इतना ही मटेरियल दे रहा हूँ और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कहीं परेशानी हो रही होगी समझने में तो उस परेशानी को नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जाएगा। ये वीडियो अभी, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया जाएगा, ये नोट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं ये इसका बस आधा दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक और दो वीडियो में इस नोट्स को मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँगा।